हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉक विद तनवीर में। दोस्तों, अभी हमने एक वीडियो बनाया कि कंप्यूटर के अंदर ए ड्राइव या बी ड्राइव क्यों नहीं होते हैं, ए ड्राइव से ही क्यों शुरू होता है। आई बटन पर क्लिक करें और देख सकते हैं कि किसी भी कंप्यूटर में ए या बी ड्राइव क्यों नहीं होता है और इसका कारण भी। अब बात आती है, मैंने उसमें कमेंट किया था कि अगर आप चाहते हैं कि किसी भी ड्राइव का या वॉल्यूम का हम लोग ए या बी ड्राइव का कोई भी और नाम चाहें तो रख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे किसी भी ड्राइव का नाम जो है नाम चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, आपको मिले। मेरा नाम है तनवीर, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉक विद तनवीर में। दोस्तों, इसके लिए पहले चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं। स्टार्ट बटन पर जाएंगे, इसके बाद कंप्यूटर पर जाने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन ड्राइव दिख रहा है, सी डी और ई ड्राइव। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद फिर से अब हम क्या काम करते हैं कि रन पे जाते हैं और रन पे जाने के बाद टाइप करते हैं डिस्क mgmt.msc। इसके बाद ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेता है, मैक्सिमाइज कर देते हैं इसको। अब मैक्सिमाइज करने के बाद अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सी डी और ई ड्राइव का नाम दे रहा है। चलिए हम डी ड्राइव का नाम चेंज करते हैं। राइट क्लिक करेंगे, चेंज ड्राइव लेटर और पाथ पे जाएंगे। इसके बाद चेंज पर जाने के बाद और हम यहाँ से डी की जगह ए को सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे, फिर यस कर देंगे और यस करने के बाद फिर से इसको यस कर देंगे। अब हम इसको क्या काम करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है, क्लोज कर देंगे। और क्लोज करने के बाद अब आप देखते हैं फिर से कंप्यूटर को ओपन कर लेते हैं और अब आप देख रहे हैं कि डी ड्राइव का नाम ए ड्राइव चेंज हो गया। फिर से इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद फिर से कंप्यूटर पर चलते हैं और इस पर राइट क्लिक करके मैनेज पर जाते हैं। मैनेज पर जाने के बाद यहाँ पे आपको डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद फिर से आपको डी ड्राइव वाले पर राइट, ए ड्राइव वाले पर राइट क्लिक करना है। चेंज ड्राइव लेटर पाथ पे जाएंगे, फिर से चेंज पे जाएंगे और इसकी जगह एक ही जगह डी ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे, फिर यस कर देंगे और उसके बाद फिर से यस कर देंगे और आपका ड्राइव का नाम चेंज हो जाता है। दोस्तों, वीडियोज़ को देखने के लिए धन्यवाद।